अलैक्म इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे आज का इंतहाई अहम टॉपिक शुरू करते हैं नाजरीन और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि साइंटिस्ट्स ने मुख्तलिफ किस्म के अजीब और गरीब दावे किए हुए हैं तारीख़ में फॉर एग्ज़ाम्पल गैलीलियो को अगर आप देखें तो उसने ये दावा किया था कि अगर मुझे एक रीज़नेबल साइज़ का लेवर मिल जाए और स्पेस मिल जाए जहाँ पे मैं खड़ा हो सकूँ तो मैं इस ज़मीन को उठा सकता हूँ वो अपने इस दावे को आ, हकीकत का रूप तो नहीं दे सका इसलिए कि उसको स्पेस भी नहीं मिली जायरा ज़मीन के अलावा इसको स्पेस नहीं मिलनी थी और जिस साइज़ का वो चाह रहा था लेवर चाह रहा था उस साइज़ का लेवर भी मिलना तकरीबन नाममक में से था बहरहाल उसके बाद न्यूटन्स को अगर देखा जाए तो न्यूटन ने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो पेश किया वो आज भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना उस ज़माने में इम्पॉर्टेंट था और इस लॉ को यूज़ करते हुए हम अपनी ज़मीन की मैस फाइंड कर सकते हैं यानी हम ये मालूम कर सकते हैं कि हमारी ज़मीन कितनी भारी है हमारी ज़मीन कितने किलोग्राम है जिस तरह आप बाज़ार से कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो आप कहते हैं कि मुझे ये दो किलोग्राम दे दें या पाँच किलोग्राम दे दें इसी तरीके से हम इस ज़मीन की मैस फ़ाइंड कर सकते हैं और ये मालूम कर सकते हैं कि ज़मीन कितने किलोग्राम की है तो आज का हमारा यही टॉपिक है और अगर आप इस टॉपिक को एंड तक देखेंगे तो इन आपको इस ज़मीन की मैस फ़ाइंड करने का तरीक़ार मालूम हो जाएगा और जो मेथड हम यूज़ करेंगे वो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है यानी उसकी इक्वेशन यूज़ करके हम ज़मीन की मैस फाइंड करेंगे तो स्टार्ट करते हैं मैस ऑफ द अर्थ ये हमारा आज का टॉपिक है ये एक फिगर है आपके सामने जिसमें ये ज़मीन आपको दिखाई गई है और इसके ऊपर ये एक स्मॉल बॉडी है ज़मीन की मैस है एम ई और इस बॉडी की मैस है एम स्मॉल एम और ये जो जमीन का सेंटर है और इस बॉडी का सेंटर है इसके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको कैपिटल आर से शो किया गया है यानी जमीन के रेडियस के इक्वल है ये डिस्टेंस और ये जो बॉडी है इसका वजन नीचे की तरफ यानी जमीन के मरकज की तरफ अमल कर रहा है अब इस केस को हम थोड़ा सा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं और आगे इससे इक्वेशन डिराइव करते हैं और ज़मीन की मैस फाइंड करते हैं तो हमारे साथ रहेगा एंड तक कंसिडर आ बॉडी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ ये एक बॉडी है इसको हम कंसिडर करते हैं जो ज़मीन के सर्फेस के ऊपर है लेट द मैस ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू एम हम फर्ज करते हैं कि इस बॉडी की मैस एम है स्मॉल एम ये हमने लिख भी दी साथ लेट द मैस ऑफ द लेट द मैस ऑफ द अर्थ इज़ इक्वल टू एम ई यानी जो ज़मीन की मैस है उसको हम एम ई -E ले लेते हैं हम फर्ज करते हैं कि वो एम ई -E के इक्वल है मैथ को स्माल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है लेकिन चूंकि ये मैस ऑफ अर्थ है इसलिए इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशियट कर डिफरेंशिएट करने के लिए हमने कैपिटल एम और उसके साथ स्माल ई डाल दी है कि ये मैस है अर्थ की एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ इज़ इक्वल टू आर ये हमारे पास डाटा है एक बॉडी है जिसकी मैथ स्माल एम है ज़मीन की मैस कैपिटल एम ई है और रेडियस ऑफ द अर्थ जो है वो यानी ज़मीन का जो रेडियस है वो आर है द डिस्टेंस बिटवीन देर सेंटर्स जमीन और उस बॉडी के मरक़ के दरमियान जो फासला है विल आल्सो भी एकवल टू द रेडियस ऑफ़ द अर्थ वो रेडियस रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल ही होगा हम उसको उसके इक्वल ही लेंगे जैसा कि हमें पता है अकॉर्डिंग टू द ला ऑफ ग्रेविटेशन लॉ ऑफ़ ग्रेविटेशन के मुताबिक जो इक्वेशन है वो क्या है एफ़ इज़ इक्वल टू जी एम वन एम टू ओवर आर स्केल ये इक्वेशन हम पहले पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो हमारे लक्चर जो है वो नहीं देखा तो वो उसको पहले देख लें उसको समझ लें उसके बाद आप यहाँ पर आएँ तो आपको ये मैसफर फाइंड करना बहुत आसानी से आ जाएगा अब देखें यह इक्वेशन है लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू ओवर आर स्कीय लेकिन यहां इस केस में क्या है हियर इन दिस केस एम वन इज इक्वल टू स्मॉल एम इस बॉडी की मैथ को हमने एम वन के तौर पे लिया हुआ है एम टू इज इक्वल टू एम ई ये जो बॉडी हमारे पास है अर्थ इसकी मैथ जो है वो एम टू है उसको हमने एम ई e के इक्वल लिखा लिया हुआ है यहाँ पर और ये जो नीचे स्मॉल था जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द बॉडी है बॉडीज है वो उसको हमने रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल यानी कैपिटल आर में हमने लिया हुआ है ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं यानी एम वन की जगह पे हम स्मॉल एम लिखेंगे एम टू की जगह पे हम एम ई यानि मैस ऑफ अर्थ लिखेंगे और रेडियस सॉरी जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द बॉडी यानी स्मॉल था उसको हम कैपिटल आर यानी रेडियस ऑफ द अर्थ लिखेंगे अब हमारे पास जो लॉ ऑफ यूनिवर्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के इक्वेशन है वो इस तरह बन जाएगी एफ इज इक्वल टू जी एम एम ई ओवर कैपिटल आर स्केयर इसको हमने क्वेश्चन नंबर वन का नाम दे दिया है यहां से हम स्टार्ट करते हैं है। मैसफर्द को फाइंड करना अब देखें ये जो फोर्स है ये वो फोर्स है जो जमीन और उस बॉडी के दरमियान में है यानी वो बॉडी जो जमीन के सरफेस के ऊपर रखी हुई है उसके और जमीन के सेंटर के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ये एफ है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है तो ये हमें पता है कि द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट ऑफ बॉडी टू वर्ड्स इट सेंटर इज इक्वल टू इट्स वेट किसी भी बॉडी को जमीन जिस फोर्स से कशिश कर रही होती है जिस कुवत से कशिश कर रही होती है वो कुवत उस बॉडी के वजन के इक्वल होता है ये हम पहले पढ़ चुके हैं यानी एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू तो अब यहाँ एफ की जगह पे हम डब्ल्यू पुट करते हैं और इस इक्विजन को इस तरह लिख देते हैं Now, इसको नाओ इसको नाव बना देते डब्ल्यू इज इक्वल टू जी एम एम ईवर कैपिटल आर स्केयर इसको हम इक्वेशन नंबर टू का नाम दे देते हैं हमने एफ की जगह पे डब्ल्यू लिख दिया अब हमें पता है कि डब्ल्यू जो वेट होता है वजन होता है वो एम जी के इक्वल होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी ये आप पहले पढ़ चुके हैं मैथ्स एंड वेट वाले चैप्टर जो टॉपिक था हमारा उसमें तो अब हम डब्ल्यू की जगह पे एम जी लिख देते हैं तो हमारी इक्वेशन इस तरह बन जाएगी इस इक्वेशन में हमने डब्ल्यू की जगह पे एम जी लिख दिया एम जी इज इक्वल टू जी एम एम ई ओवर आर स्केयर

यहाँ पे मैं इसके नीचे वन लिख देता हूँ उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ जी एम ई इंटू वन करेंगे तो जी एम ई आ जाएगा इज इक्वल टू जी को आर स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी आर स्केयर आ जाएगा इसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो हमने ये इक्वेशन गेन की कैसे है बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अब चूंकि हम फाइंड क्या करने जा रहे हैं मैसा फर्थ तो ये जो जी है इसको हमने यहाँ से राइट साइड पे लेके जाना है ये आप दोनों तरफ जी डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा एम ई इज इक्वल टू जी आर स्केयर ये राइट हैंड साइड वाला और उसके नीचे आ जाएगा कैपिटल जी तो ये तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी जिसकी मदद से हम मैस ऑफ अर्थ फाइंड कर सकते हैं फाइनल इक्वेशन क्या हमारे पास बन गई जिसको हमने इक्वेशन नंबर फोर का नाम दिया है एम ई इज़ इक्वल टू जी आर स्क्वायर ओवर कैपिटल जी अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं इन तीनों टर्म्स की यानी स्मॉल जी आर रेडियस ऑफ द अर्थ और कैपिटल जी इन तीनों की वैल्यूज़ अभी हम देखते हैं और उसमें पुट करते हैं जी हमने वो वैल्यूज पुट करनी है तो वैल्यूज पहले हम देख लेते हैं एज जी इज इक्वल टू टेन मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये जी क्या है हम पहले चैप्टर नंबर थ्री या चैप्टर नंबर फोर में इसको पढ़ चुके हैं ये एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो ये टेन मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ जमीन के सर्फेस के ऊपर या जमीन के सर्फेस के करीब करीब इसका जो इसकी वैल्यू होती है वो टेन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है आज जो रेडियस ऑफ द अर्थ है वो सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेन पावर सिक्स मीटर के इक्वल होता है ये रेडियस ऑफ द अर्थ है मीटर्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसकी वैल्यू अभी हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ी थी जो हमने लाइफ ग्रेविटेशन पढ़ा था माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर ये इसकी वैल्यू है जी की वैल्यू है ये ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की इन तीनों वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर फोर में पुट करते हैं नाउ बाय पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फोर वी गेट हमारे पास क्या आ जाएगा एम ई इज इक्वल टू जी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी टेन मीटर पर सेकंड स्क्वायर आर की जगह पे उसकी वैल्यू सिक्स पॉइंट फोर टेन पावर सिक्स मीटर और उसका स्केर हमने ले लिया चूंकि आर का स्केयर था ओवर कैपिटल जी यानी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटन पावर माइनस सेवन न्यूटर स्केर पर के जी स्केर ये हमारे पास इसकी वैल्यूज आ गई अब इनके सारे मैंने यूनिट साथ लिखे हुए हैं लेकिन चूंकि हम मैथ ऑफ अर्थ फाइंड कर रहे हैं और मैथ का यूनिट किलोग्राम होता है तो हमें ये फाइनली पता है कि इसका जो यूनिट हमारे पास आएगा वो किलोग्राम ही आएगा इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया का ये हमारे पास की शक्ल में इसका आंसर आएगा अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं आप इन यूनिट्स को सारों को कैलकुलेट करें तो आपके पास यही आएगा यानी बाकी आपके पास किलोग्राम ही बचेगा अगर आपको यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा मैं इसको सारा कैलकुलेशन करना आपको बता दूंगा बरहर मैंने फाइनली आपको बता दिया कि आपके पास किलोग्राम में आएगा ये इसका आंसर अब देखें एम ई इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट फोर इंटू सिक्स पॉइंट फोर इसलिए कि ये सिक्स पॉइंट फोर का स्केर था सिक्स पॉइंट फोर का स्केयर है तो ये दो दफा आ जाएगा इंटू टेन ये वाला टेन मैंने लिखा है इंटू टेन पावर सिक्स का स्केर था तो टेन पावर ट्वेल्व हो जाएगा ओवर टेन पावर माइनस इलेवन था तो उसको मैं ऊपर ले आऊँ पावर इलेवन हो गया और नीचे हमारे पास सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन बच गया अब पहले हम टेन को कैलकुलेट कर लेते हैं टेन की पावर्स को ये देखिए टेन पावर वन है ये टेन पावर ट्वेल्व है ये टेन पावर इलेवन है ये सारी मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी वन प्लस ट्वेल्व प्लस इलेवन तो टेन पावर ट्वेंटी फोर आ जाएगा और इसके बाद आप सिक्स पॉइंट फोर को सिक्स पॉइंट फोर से मल्टीप्लाई करें जो आंसर आए उस पर आप सिक्स पॉइंट सिक्स डिवाइड करें तो आपके पास सिक्स बाकी बच जाएगा यानी रिप्लाई आपके पास सिक्स आएगा तो मैसा फर्ट कितना हमारे पास आ गया सिक्स इंटू टेन पावर ट्वेंटी फोर किलोग्राम्स तो ये सिक्स इंटू टेन पॉल ट्वेंटी फोर किलोग्राम कितना होता है तकरीबन मैंने यहाँ पर और लिख दिया है कि सिक्स के साथ आप ट्वेंटी फोर जीरो लगाएंगे उतना किलोग्राम ये होगा यानी सिक्स जीरो 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 आप जीरो लगाते जाएंगे ट्वेंटी फोर जीरो लगाए तो तब उतना किलोग्राम जो है वो मैस है जमीन की तो ये मैस ऑफ द अर्थ हमारे पास आ जाएगी तो बहरअल साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको लिखेंगे सिक्स पॉइंट जीरो पावर ट्वेंटी फोर किलोग्राम्स ये हमारे पास आ गई मैस ऑफ अर्थ दिस इज़ द मैस ऑफ द अर्थ तो आज हमने मैस ऑफ द अर्थ फाइंड करना सीख लिया होपफुली आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि हम न्यूटन के ला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को यूज़ करते हुए मैस ऑफ द अर्थ कैसे फ़ाइंड करते हैं अगर आपको कोई भी इसमें कन्फ्यूजन है तो आप इस वीडियो को एक दफ़ा रिवाइज़ करके देख लें इन ये सारा क्लियर हो जाएगा अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप मुझे मैसेज uh, करें कमेंट्स में इन मैं आपके मैसेज को रिप्लाई करूंगा और आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट टॉपिक में फिर मुलाकात होती है तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़